प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है हमारे समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। आखिर किस ओर जा रहा हमारा समाज? दोनार में हुए एक के बाद एक तीन हत्याकांड से खड़े हुए सवाल, आखिर कब थमेगा पारिवारिक रंजिश में हत्या का यह सिलसिला? फरवरी महीने के प्रारंभ में भी जारी है ठंड का प्रकोप, घने कोहरे के चादर में लिपटी रहती है सुबह, अभी जारी ही रहेगा सर्दी का सितम। जिलाधिकारी ने किया निबंधन कार्यालय का निरीक्षण, कार्य प्रगति को बताया बेहतर। और जयंती पर याद किए गए पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र, जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। Saina International School. Did the students get chance to find out their hidden abilities and potential? पारिवारिक दुश्मनी की श्रृंखला कैसे बढ़ती है, इसका उदाहरण देखने को मिला गुरुवार को जब दोनार हत्याकांड। पुराने विवाद में बदला लेने की प्रवृत्ति, और यही यह कब थमेगा? जी हां, अभियुक्त चंदनदास इतना आक्रोश में है कि उसने कहा कि अगर जेल से वे आ गया तो पुनः घटना को अंजाम। सवाल यह है कि इस तरह की दुश्मनी हो जाए और प्रवृत्ति बदला लेने की, तो ठहराव कहां होगा? यह दृश्य गुरुवार की है, दोनार चौक के पास। हत्या के एक मामले में लोग इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लगातार कोशिश के बावजूद भी लोगों का आक्रोश थम नहीं रहा था। एएसपी दिलनवाज अहमद को स्वयं आना पड़ा। काफी समझाने के बाद भीड़ शांत हुई। मामला हत्या से जुड़ा है। दोनार चौक में आपसी रंजिश या पुराने विवाद में अंततः एक की जान और गई, और यह कहानी एक दिन की नहीं है। वर्ष 2013 से इसकी शुरुआत होती है। एक हत्या होती है, उसके बाद रंजिश में 2015 में दूसरी हत्या, और फिर 2018 के प्रारंभ में तीसरी हत्या। और अभियुक्त के आक्रोश की बात माने तो उसने एसपी के सामने स्पष्ट कहा कि जेल से वह आ गया तो चौथी हत्या भी होगी, घटना को अंजाम देगा। यानी घाव इस तरह गहरा है, लेकिन इसका अंत कहां होगा, यह कहां थमेगा? लगातार बदले की भावना, आखिर हमारा समाज कहां जा रहा है? दोनार चौक के ही रहने वाले दो दास परिवारों के बीच यह लड़ाई 2013 से शुरू हुई थी, जिसमें एक की मौत हुई और उसके बाद लगातार तनाव और झंझट के बाद दूसरी मौत 2015 में, जब शाम को बीच सड़क पर एक हत्या हो गई थी। और मामला यही नहीं थमा, उसमें भी गिरफ्तारी हुई, अभियुक्त जेल गया, और फिर तीसरी हत्या। किसको दोष दें, किसकी शिकायत करें, आखिर बदले की भावना
इसका अंत कहां है, इसका ठहराव कहां है। लगातार पुलिस के फाइल में कांडों की संख्या बढ़ रही है, अनुसंधान जारी है, अभियुक्त जेल में है, बेल होता है, निकलते हैं, फिर सजा होगी। लेकिन दो परिवारों के बीच यह विवाद, जिसमें कई सदस्य हैं, आखिर अगली घटना न हो इसका क्या उपाय? सामाजिक रूप से लोगों को आना होगा और दोनों परिवार के जो गंभीर लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें समझना होगा कि आखिर इसका दी एंड तो करें, ताकि जो भविष्य है वे आगे बढ़ पाए और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति आगे न हो। एक सर गाड़ी पकड़ाई है, उसमें गाड़ी पकड़ा गया, भाई को मारे हुए थे, इसीलिए कहाँ से उठाया, कब मारा था, क्यों मारा था आपके भाई को? आपस में झगड़ा हुआ था लड़की के मीटर से, दियादी मीटर से, लड़की के मीटर से झगड़ा हुआ था। अभी तक तुम लोग के आपसी रंजिश में 3 लोगों की हत्या हो चुकी है, क्या है पूरा कहानी सो बताइए। पूरा कहानी है वो लड़की का चचा सर। क्या था, कौन लड़की थी, क्या नाम था, क्या हुआ था? लक्ष्मी जो है, जिसका शादी हुआ सूरज सूरजदास से, ये मेरे दियाद का बेटा है, चचा का बेटा है, उससे शादी कर ली लड़की। अभी भाग के दूसरे शादी कर ली। हाँ, एगो लड़का एगो लड़की है, उसी के चक्कर में इतना हो रहा है। और वो दोनों आराम से है, उसके चक्कर में उसका चचा परिवार सब और मैं हम आपस में लड़ रहे। अभी तक कितना हत्या हो चुका है इसमें? इसमें अभी तक 2-3 वो हत्या हो चुका है। वो मेरा भाई को मार दिया, उसके बाप को मार, उसका कहाँ से उठाया था? पापा का हत्या हो गया था झगड़ा में, दोनों बगल से आदमी था, बहुत थे। आज जो हत्या तुमने कल जो किया है वो कैसे किया, कहाँ से उठाया था उसको, कैसे कैसे किया? वो दुनार से लाए थे गाड़ी से, कुछ देर मेला में रहा, घूमे फिरे, उसके बाद फिर सिगरेट वगैरह पीने के लिए गाछी में उतरे, वहाँ पर बहान था तब मारे। क्या चीज़ से मारे? चाकू से। अफसोस नहीं है था सर, अफसोस है ही। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा क्या? देखिए जिंदा रहेंगे सर, अभी करेगा। और टारगेट पर आ, अगला टारगेट आपका कौन है? उसका चचा। अभियुक्त का साहस देखिए, वह स्पष्ट स्वीकारता है कि बदले की भावना और उसके दिल में इतनी आग लगी है कि अगले घटना को वह और अंजाम देने की ठान लिया है। बाहर निकला तो चौथी घटना को भी अंजाम देने से नहीं चुकेगा, चाहे अंजाम जो हो। सवाल पुनः यह है कि आखिर इसका ठहराव कहां होगा? अभियुक्त का साहस देखिए, वह स्पष्ट स्वीकारता है कि बदले की भावना और उसके दिल में इतनी आग लगी है कि अगले घटना को वह और अंजाम देने की ठान लिया है। बाहर निकला तो चौथी घटना को भी अंजाम देने से नहीं चुकेगा, चाहे अंजाम जो हो। सवाल पुनः यह है कि आखिर इसका ठहराव कहां होगा? ठंड का की मार अब तक पड़ रही है। जी हाँ, अब तो हालत यह है कि लोग सुबह उठकर पहले यह भांपने की कोशिश करते हैं कि कोहरे की मार कितनी है, इसकी चादर कितनी लंबी है, सूरज आज दिखेगा कि नहीं। पहले मकर संक्रांति, फिर बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, और बात हो रही है कि अब संभवतः शिवरात्रि तक शायद मौसम सुहावना हो जाए। फरवरी का माह चल रहा है, लेकिन पहले सप्ताह में भी सुबह कोहरे की मार से लोग परेशान हैं। लगातार एक महीने से यह हालत है, और बीच में जब एक दिन धूप निकलती है तो लोगों को लगता है कि चलो बादल छटा, लेकिन पुनः अगले दिन कोहरे की मार। अक्टूबर और नवंबर जब आसानी से बिना ठंड के ही बीता तो लोगों को लगा कि इस बार ठंड पड़ेगी ही नहीं, कोहरे की धमक तो बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही नवंबर ने शुरुआत की,
दिसंबर आते आते कोहरे की चादर में सर्द हो चला पूरा उत्तर भारत। बिहार और दरभंगा में भी हालात ऐसे ही रहे। हालांकि धीरे धीरे जब कोहरे की चादर बढ़नी शुरू हुई तो लगभग पूरे देश का हर इलाका सर्द कोहरे की चपेट में आ गया। ठंड से कपकपाने लगे लोग। अमूमन वसंत पंचमी तक ठंड की यह दोहरी मार होती है, लेकिन इस बार यह आंकड़ा भी आगे निकल गया। 26 जनवरी बीता और उसके बाद फरवरी का महीना आ गया। फरवरी के महीने में भी शुरुआत में जो कोहरे की चादर से सुबह की शुरुआत होती है, उस वक्त तो हाथ को हाथ नहीं सूझता। घर में दुबके रहते हैं लोग। सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को होती है और इस बार तो जनवरी का पूरा महीना मानो ठंड की वजह से बच्चों को स्कूल जाने से रोकता रहा। स्कूलों को बंद रखा गया, सरकारी और निजी दोनों ही स्कूलों को। अब जब स्कूल खोले गए हैं तो उनकी टाइमिंग को बार बार बदलना पड़ रहा है। कभी सुबह साफ होती है तो कभी ज़्यादातर कोहरे से भरी। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि ठंड की या कोहरे की यह चादर ऐसा लगता है महाशिवरात्रि तक अपना धमाल और तांडव मचाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BTN न्यूज। जिला निबंधन कार्यालय काफी अच्छे ढंग से बनाया गया है और जो इसका अगर इतिहास हम जाने तो 1890 से इसका रिकॉर्ड मिलता है। उस समय से जब दस्तावेज और जो निबंधन पदाधिकारी या नियुक्त थे उनकी सूची है। जिला निबंधन कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर जी, उन्होंने बारीकी से सभी कागजात को देखा, व्यवस्था को देखा और काफी प्रसन्न हुए। डिजिटल रजिस्टर पर उन्होंने लिखा, एक्सीलेंट। जिले में सब कुछ कितना ठीक ठाक चल रहा है, कहां कमी है, किसे कितना दुरुस्त करने की जरूरत है, व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह बखूबी इसे जानने की कोशिश करते हैं। शुक्रवार को जिलाधिकारी पहुंचे जिला निबंधन कार्यालय। एक वक्त था जब रजिस्ट्री ऑफिस में खचाखच लोग भरे होते थे, बेतरतीब ढंग से कागजात रखे होते थे, लेकिन विगत कुछ वर्षों से इसे हाईटेक तो बनाया ही गया है, व्यवस्थित ढंग से इसे संचालित करने की पूरी पुरजोर कोशिश भी की गई है और सफलता भी मिली। इस सफलता का परिणाम यह रहा कि शुक्रवार को जब DM पहुंचे यहां, अपने विजिट के बाद उन्होंने विजिटिंग रजिस्टर में अपना कमेंट एक्सीलेंट के रूप में लिखा। जिलाधिकारी ने वहां उपस्थित कर्मचारियों से बात की, अधिकारियों से भी जाना और निबंधन कराने आए लोगों से भी उनकी समस्याओं के बारे में जानना चाहा। घूम घूम कर बारीकी से हर एक चीज पर गहरी और पैनी नजर रखते दिखे DM। जिस वक्त जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने यहां जिले की कप्तानी संभाली थी, उस वक्त भी वे रजिस्ट्री ऑफिस आए थे निबंधन कार्यालय और उन्होंने कई निर्देश दिए। काम उसके बाद शुरू हुआ। रंग रोगन से लेकर इसे हाईटेक बनाने की पूरी कोशिश की गई। कागजातों को, रिकॉर्ड को रखने के लिए भी व्यवस्था की गई और उन सब में कामयाबी मिली। जिलाधिकारी ने इसे बखूबी देखा भी। जी जी कराते हैं, खुद उसको करता है सर, काफी हद तक करता भी है।
सतेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। बिहार के विकास में ललित नारायण मिश्र के सपनों का की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्वविद्यालय स्थापना में भी इनका काफी योगदान है। उक्त बातें कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कही। वे 96वें ललित जयंती समारोह को संबोधित कर रहे। मैं रहूं न रहूं, बिहार बढ़कर रहेगा। अपनी इन बातों से अमर हो जाने वाले स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र 96वीं जयंती पर याद किए गए। मिथिला विश्वविद्यालय परिवार ने कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने की। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र के पौत्र ऋषि कुमार मिश्रा। विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर CP सिंह मौजूद थे। की परंपरा के अनुसार सर सर सामने संगीत और नाट्य प्रभाग के छात्रों द्वारा मंच के इधर बैठे हैं, उनसे आग्रह है कि आप स्टेज पर आना चाहें। श्री विनोद कुमार चौधरी जी, स्वर्गीय मिश्रा का जन्म शायद उनके ननिहाल में हुआ था। देवियों और सज्जनों, आज इस महापुरुष की जो हम जयंती मनाने जा रहे हैं, ललित बाबू के बारे में जितनी भी बातें कही जाए वो कम है। एक शेर है कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ये हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम सभी जानते हैं कि जीवन और मृत्यु का क्रम चलता ही रहता है और इस आने जाने के क्रम में कुछ बिरले ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने कीर्तिमान से अपने को लोगों के दिलों में स्थापित कर लेते हैं। और ललित बाबू मिथिला ही नहीं, बिहार ही नहीं, भारत के उन महान सपूतों में से एक हैं जिन्होंने एक व्यक्ति बन करके जीना नहीं सीखा, एक व्यक्तित्व बन करके जीना सीखा। जबकि भारत में संसद का पहला निर्वाचन हुआ और ललित बाबू अपार बहुमत से संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। बात संसद के रूप में निर्वाचित होने की नहीं है,
बल्कि बाल्यकाल से उस कोसी क्षेत्र की पीड़ा की जो चिंता उन्हें थी, बात उसकी है कि उन्होंने सांसद बनने के साथ ही कोसी समस्या पर पहली बार महासम्मेलन का आयोजन करवाया। हम जब अपने बच्चों को देखते हैं, हमारे जो बाबूजी हैं उनके साथ खेलते हुए, तो मन में अफसोस भी रहता है और हॉलनेस फील होता है कि शायद हमारे बाबा भी होते तो शायद हमारा भी रिश्ता उनके साथ ऐसा होता और ऐसा ही प्यार हमको भी मिला होता। हमको इस ये जो रिश्ता होता है इसको हम आज तक मिस करते हैं, क्योंकि वो जो पोता और बाबा का रिश्ता है, जो फीलिंग्स है, उसको हम आज भी मिस करते हैं। किसी पुरुष को महापुरुष बनाने के लिए उसकी सोच ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसा कि ऋषि किसान जी ने भी कहा कि ललित बाबू जी महान थे क्योंकि उनकी सोच महान थी। और सोच महान तब होती है वो जब स्व से ऊपर उठ करके समाज और देश पर केंद्रित हो जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने बारे में कम सोचते हैं, अपने समाज और देश के बारे में सोचते हैं, इसीलिए वो पुरुष से महापुरुष की कैटेगरी में चले आते हैं। ललित बाबू के व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से कहा है। संतोष झा, BTN न्यूज। ललित जयंती पर मिल्लत कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी, मिथिलांचल के विकास में ललित बाबू का योगदान विषय पर सेमिनार आयोजित हुआ, जबकि ललित जयंती मनाई गई MLSM कॉलेज दरभंगा में भी। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। 19 दिसंबर के कार्यवाही की संपुष्टि की गई और अन्य विषयों पर भी चर्चा। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में 19 दिसंबर को हुई मीटिंग के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई और पारित प्रस्ताव के अनुपालन प्रतिवेदन को संशोधन के साथ पारित किया गया। वित्त समिति की पिछली बैठकों के कार्यवृत्त को भी अनुमोदित किया गया। छात्रों के पेंडिंग रिजल्ट के सुधार की प्रक्रिया की बात उठी। कार्यसूची समय पर उपलब्ध कराने का आग्रह भी सदस्यों ने किया। BEd कॉलेज के एफिलिएशन का मुद्दा भी उठाया गया, जबकि संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों को भी प्रधान परीक्षक बनाने का आग्रह कुलपति से किया गया। संबद्ध महाविद्यालय जिनका NAC हो चुका है और B ग्रेड भी मिला है, उनको अनुदान मिले रूसा से, ऐसी व्यवस्था करने का भी अनुरोध सदस्यों ने अध्यक्ष से किया। संतोष झा, BTN न्यूज। प्रधानमंत्री आवास योजना, जी हाँ, पहले एक सूची थी लगभग 1000 लोगों की, उसके बाद हर वार्ड में कैंप लगाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों का नाम जोड़ा जा रहा है। वार्ड नंबर 37 में भी सूची के अनुसार भौतिक सत्यापन एवं सर्वेक्षण किया गया और यह अनवरत लगातार जारी है। 6 फरवरी तक पूरे दरभंगा नगर निगम में यह अभियान चलेगा और इसका अंत। सबके लिए आवास, सबको मिले मकान, भारत सरकार का ऐलान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2022 में सबका हो घर अपना। इसी के तहत पहले राजीव आवास योजना और अब दरभंगा में प्रधानमंत्री आवास योजना। जिन्हें भारत में कोई मकान नहीं है उन्हें 1.5 लाख भारत सरकार अनुदान देती है, 50,000 और कैंप लगा शुक्रवार को वार्ड नंबर 37 में भी। पार्षद रियासत अली मौके पर मौजूद थे और उपस्थित हुए दर्जनों ऐसे लोग जिन्हें जिनका सपना है कि उनका भी घर होगा अपना। मालूम रहे कि पहले 3 साल से यहां राजीव आवास योजना के तहत लगभग 1300 मकान या तो बन चुके हैं या बन रहे हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में 1000 लोगों की सूची थी जिसमें से अधिकतर नहीं बन पाए हैं, लेकिन
नगर विकास विभाग के आदेशानुसार दरभंगा नगर निगम पुनः एक बार सर्वेक्षण कर वैसे लोगों की सूची बना रहा है जिनका भारत में कोई मकान नहीं है। वे गरीब हैं। अनुदान के रूप में उन्हें भारत सरकार का 1.5 लाख रुपया और बिहार सरकार का 50,000 रुपया, कुल 2 लाख या फिर 3 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक के ऋण जिसे चुकता करना है, लेकिन इसमें सरकार उसमें 3 लाख लेने वाले को अधिकतम 1,10,093 रुपया सब्सिडी के रूप में सूद की अदायगी करेगी और अधिकतम 2,20,187 रुपया सब्सिडी देगी, जो कि सूद की रकम है और उनके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी और ऐसे में नियमानुकूल नियत समय पर लाभार्थी रकम चुका देते हैं तो उन्हें सूद नहीं देना पड़ेगा। यह योजना है सरकार की। 2022 में सबका घर हो अपना, इसी उद्देश्य के साथ इस योजना का लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है और इसकी सूची बन रही है। अखिलेती कलाही तालीमी फाउंडेशन और जिला मजार एवं कब्रिस्तान कमेटी के तत्वावधान में आलिमों का सम्मेलन आयोजित हुआ खानका मदारसा बाबा मोहल्ला मुगलपुरा। अकिलियती फलाही तालीमी फाउंडेशन और जिला मजार एवं कब्रिस्तान कमेटी के तत्वावधान में आलिमों का सम्मेलन आयोजित हुआ मदार शाह बाबा मोहल्ला मुगलपुरा में। सरफराज आलम, BTN न्यूज। लगभग 40 साल सेवा करने के बाद आखिर वह दिन आ जाता है जब आपको अवकाश लेना पड़ता है। जी हां, दुनिया की यही रीत है। सुबह बचपन, दिन को जवानी, शाम को अंधेरा, रात को बुढ़ापा, लेकिन जो जन्म लेता है उसे जाना भी होता है। और जो नौकरी में ज्वाइन करता है, अगर वह सब कुछ ठीक ठाक रहे तो एक दिन अवकाश भी लेना होता है। और यह दिन एक सुखद दिन होता है, उन बीते जो पन्नों की याद होती है और उनके परिवार वाले एक तरफ यह सोचते हैं कि जिन्होंने लगातार अपने परिवार का भरण पोषण किया, मेहनत किया, आज उनकी विदाई का क्षण, कई लोग परिवार के लोग काफी खुशी के रूप में शरीक होते हैं। एक और खुशी होती है कि अब उनके जो मुखिया हैं वो पूरा समय परिवार को देंगे, तो दूसरी ओर गम भी होता है क्योंकि सुबह लगातार ऑफिस में जाना और नियमित काम को निपटाना, फिर वापस आना और इस पर संभवतः विराम लग जाता है, लेकिन यह एक नीति है, यह होना है। समाहरणालय में लगभग 1 दर्जन कर्मी जो 31 जनवरी को जिन्होंने सेवा व अवकाश प्राप्त किया था उन्हें विदा दिया गया, काफी सम्मान।
विदाई समारोह का आयोजन गुरुवार को किया गया समाहरणालय में। पदाधिकारियों एवं सहकर्मियों ने साथ गुजारे अनुभव को आपस में शेयर किया। सम्मान समारोह में आशु लिपिक आलोक कुमार श्रीवास्तव, प्रधान लिपिक कौशल किशोर झा, रमन प्रसाद श्रीवास्तव, जगदीश राम, लिपिक सूरज राम, राजभाषा अनुवादक शमीम अहमद सिद्दीकी, अलमुल हुदा, चतुर्थ वर्गीय कर्मी भोला खतवे, मोहम्मद मोहिबुल नद्दाफ, सैयद इम्तियाज अहमद को पाग चादर और माला से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में DDC डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, लेखा योजना नीलकमल, ADWO वसीम अहमद, स्थापना रमेश चंद्र चौधरी, जिला योजना कामेश्वर प्रसाद, DPRO पंचायत शत्रुघ्न कमती, भविष्य निधि पदाधिकारी रमेश कुमार समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, PTN न्यूज। जब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। आखिर किस ओर जा रहा हमारा समाज? दोनार में हुए एक के बाद एक तीन हत्याकांड से खड़े हुए सवाल, आखिर कब थमेगा पारिवारिक रंजिश में हत्या का यह सिलसिला? फरवरी महीने के प्रारंभ में भी जारी है ठंड का प्रकोप, घने कोहरे के चादर में लिपटी रहती है सुबह, अभी जारी ही रहेगा सर्दी का सितम। जिलाधिकारी ने किया निबंधन कार्यालय का निरीक्षण, कार्य प्रगति को बताया बेहतर। और जयंती पर याद किए गए पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र, जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।